हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेस्टी किचन पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं जो ये बच्चों से रिलेटेड है, क्योंकि इस वक्त एग्ज़ाम सीजन चल रहा है तो हमें भी कुछ उनके लिए स्पेशल बनाना चाहिए जिससे वो पढ़ाई में अच्छे से कंसंट्रेट कर सकें। फ्रेंड्स, आज जो हम ये रेसिपी बनाने जा रहे हैं ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है, क्योंकि ये एग्ज़ाम सीजन चल रहा है और इस वक्त बच्चों के सर पे काफ़ी प्रेशर होता है, वो ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं पढ़ाई पर। तो उनकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए और उनके माइंड को शार्प करने के लिए हम ये रेसिपी आज आपको बताने जा रहे हैं, जो एक बहुत पुराना नुस्खा भी है। पहले के बुज़ुर्ग ये अपने बच्चों को दिया करते थे रेगुलर, लेकिन इस वक्त ये जो सिस्टम है कुछ इस तरीके से बिज़ी हो गए हैं सभी लोग अपने आप में कि वो ये चीज़ें बना नहीं पाते हैं और बच्चे को अपने दे नहीं पाते हैं। तो आप अगर इसे एक बार बनाकर रख लें, फिर आप उसे इसे अपने बच्चों की स्टडी टेबल पर रख दें, ये बहुत शौक़ से पसंद भी करेंगे बच्चे, और इसे टाइम टू टाइम लेने से उनकी इम्यूनिटी पावर भी बढ़े। तो इस रेसिपी के ज़रिए आप अपने बच्चों के माइंड को शार्प कर सकते हैं, उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ा सकते हैं। बच्चे काफ़ी टाइम तक एक ही जगह बैठकर स्टडी करते हैं जिससे उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस रेसिपी के ज़रिए उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक हो सकता है। तो आइए बताते हैं कि इस रेसिपी बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। ये एक तरीके की मीठी सुपारी ही है जिसे बच्चे बहुत शौक से खाना पसंद करेंगे। तो आइए बताते हैं कि हमने किन किन इंग्रेडिएंट्स को लिया है। ये मैंने 10 से 12 छुहारे ले लिए हैं जिन्हें मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है इस तरीके से, और ये हमारे सॉफ्ट वाले छुहारे हैं, इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अगर आप हार्ड वाले छुहारे लेंगे तो बच्चे उसे खाना पसंद नहीं करेंगे। 25 ग्राम हमने साबुत धनिया ले लिया है, 25 ही ग्राम हमने सौंफ ली है। इन दोनों को हम पहले हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे। 25 से 30 ग्राम हमने ये अखरोट की गिरी ले ली है, ये और ये इस तरीके की होती हैं, ये सिंपली इस तरीके से मिल जाती हैं मार्केट में, इसे हमने चार चार पीस में कट कर लिया है। 20 से 25 ग्राम हमने ये शुगर कैंडी ले ली है, यानी कि मिश्री, और ये 20 से 25 ही हमने बादाम लिए हैं जिसे हमने लंबाई में कट कर लिया है छोटा छोटा इस तरीके से, और हमने ये मीठी वाली सौंफ ले ली है। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप इसे डालना चाहें तो डाल सकते हैं और अगर आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। बच्चे अट्रैक्टिव होते हैं ऐसी नई नई चीज़ों को देखकर, खाने के लिए उनका मन करता है, तो आप इसे ऐड करें तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर मैंने एक सूखा नारियल ले लिया है जिसे मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है इस तरीके से, आप देख सकते हैं, और ये मैंने मोटी दर का नारियल लिया है। आपको सूखा नारियल बिल्कुल नहीं लेना है, नारियल वो लेना है जिसकी एक तो मोटी दर हो और जिसमें ऑयल अवेलेबल हो। तो ये आपको इस तरीके से नारियल लेना है टेस्ट करके, और टेस्ट करके ही आपको ये छुहारे और अखरोट की गिरी लेनी है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सौंफ और धनिया को ड्राई रोस्ट करने के लिए हमने एक पैन ले लिया है और इसमें हम ऐड कर देंगे धनिया, यानी कि कोरिएंडर सीड्स और सौंफ, और इन दोनों को हम मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे, जब तक इनमें से भीनी भीनी सी खुशबू नहीं आ जाती और इसका हल्का सा कलर चेंज नहीं हो जाता, तब तक हम इन दोनों को अच्छे से ड्राई रोस्ट करेंगे। 3 मिनट हो चुके हैं हमारी सौंफ और धनिया दोनों को ड्राई रोस्ट होते हुए मीडियम फ्लेम पर, और ये देख सकते हैं आप इनका हल्का सा कलर चेंज हो गया है और इनमें से अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और सौंफ और धनिया को हम एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। सौंफ और धनिया को हमने एक प्लेट में निकाल लिया है और ये आप देख सकते हैं इनका कलर कितना अच्छा, माशाल्लाह कितना अच्छा कलर भी आया है, गोल्डन कलर के हो गए हैं ये, और इनमें बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब हम इन्हें एक ग्राइंडर जार में डालकर इन्हें हल्का सा ग्राइंड करेंगे, तकरीबन 2 से 3 सेकंड के लिए ही हमें इसे ग्राइंड करना है, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। सौंफ और धनिया को हमने ग्राइंडर जार में डालकर हल्का सा सिर्फ 2 सेकंड के लिए हल्का सा ग्राइंड कर लिया है, ये देखें इस तरीके से, इसमें जितना भी इसका छिलका है वो ग्राइंड करने से बाहर आ गया है। अब हम एक छन्ना लेंगे और इसके नीचे एक प्लेट लगा लेंगे, छन्ने में आप अपने सौंफ और धनिया को डाल देंगे और इसे अच्छे से छान लेंगे ताकि इसका जितना भी छिलका है वो नीचे आ जाए और हमारी जो सौंफ और धनिया की गिरी है वो इसके अंदर आ जाए। तो ये लीजिए,
सौफ़ और धनिया की गिरी हमारी ऊपर आ चुकी है और इसमें जितना भी छिलका था वो सब इस प्लेट में आ गया है। अब हम एक बड़ा सा बाउल ले लेंगे और अपने धनिया और सौफ़ को उसके अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसी के अंदर ऐड कर लेंगे हम छुआरे, अखरोट, मिश्री, बादाम और सूखा नारियल और इस सभी सामान को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सौंफ से आंखों की रोशनी काफ़ी तेज़ हो जाती है और अखरोट और बादाम हड्डियों को मजबूत करने के भी काम आता है और दिमाग को तेज़ करने के भी। तो आप इसे ज़रूर बच्चों को बनाकर दें, एग्ज़ाम सीज़न में बच्चे इसे खाकर काफ़ी शार्प माइंडेड हो जाएंगे और काफ़ी कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे अपनी पढ़ाई में। अच्छे से जब पढ़ाई करेंगे तो मार्क्स भी अच्छे आएंगे बच्चों के। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मीठी सौंफ, ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप इसे स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इससे ये थोड़ी सी अट्रैक्टिव हो जाएगी और बच्चे इसे पसंद करेंगे। आप इन्हें उनकी स्टडी टेबल पर रख दीजिए, स्टडी करते करते बच्चे इसे खाएंगे तो माइंड भी शार्प होगा और खाने में भी ये स्वादिष्ट होती है, काफ़ी टेस्टी होती है। तो आप ज़रूर बनाकर दें इस सीज़न अपने बच्चों को। तो ये लीजिए व्यूवर्स, बच्चों के लिए बनाई गई मीठी ड्राई फ्रूट्स की सुपारी एकदम से रेडी है। मैंने तो इसे अपने बच्चों के लिए रेडी करके रख लिया है, आप भी इसे ज़रूर बनाएं और एक एयर टाइट जार में डालकर इसे कवर करके रख दें बच्चों की स्टडी टेबल पर। आप देखेंगे आपके बच्चों का कॉन्सेंट्रेट पढ़ाई में बहुत अच्छे से होगा और बहुत ही शार्प माइंडेड के आपके बच्चे हो जाएंगे। तो ट्राई करें ज़रूर इस रेसिपी को और मेरी आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें, मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।